नदियों के बीच में रहने को मजबूर ग्रामीण, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। सीतापुर के तहसील बिसवा के रेउआ इलाके में ग्राम पंचायत गोलो कोडर के कई गांवों में बारिश के आते ही नदियां अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वहां के स्थानीय लोगों के लिए बारिश से मुसीबत बन चुकी, चारों तरफ नदियों के बीच में लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। यहां भी कहा जाए तो उन लोगों को जो भी जमीन थी वह नदी में समा गई है। आपको बता दें कि सैकड़ों लोग इस टापू में फंसे हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से ना तो कोई सुविधा दी गई और ना ही उनको रहने के लिए सुरक्षित जगह। इतना ही नहीं, टापू में फंसे लोगों के मुताबिक प्रशासन के आला अधिकारी व कर्मचारी भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचे, क्योंकि इन लोगों से मिलने के लिए 25 किलोमीटर तक नाव पर जाना पड़ता है। कोई भी बीमार पड़ जाए तो लोग उसको चारपाई पर लाद कर नाव तक ले जाते हैं, उसके बाद अपने कंधों पर लेकर अस्पताल तक ले जाते हैं। लोगों का कहना है सरकार हमें भी थोड़ी जगह रहने को दे दे तो हम लोग भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। लगभग 400 लोग अभी भी इस टापू पर रहने को मजबूर हैं। बच्चों को शिक्षा तक नसीब नहीं होती है, शिक्षा कैसे नसीब हो जब चारों तरफ जली जल भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों को आखिर कब नसीब होगी, इन गरीबों को दो वक्त की रोटी, आखिर कब तक मजबूर रहेंगे यहाँ के स्थानीय लोग। सीतापुर जिला ब्यूरो से मनीष पांडे की खास रिपोर्ट। आप बीच में आप लोग फंसे हैं, बताएं कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदी है आपके वहाँ? सर जी बड़ी नदी सरकारी तरफ से कोई आपको मिल रहा है सहायता, राशन पानी कुछ नहीं है? ये रियाज का तो कोई दिखाया होते तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो हमको तो मिले है राशन पानी, दिखाया वो का आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ पर पानी बाढ़ में? तो कैसे खेत पर लगा देते होगा और क्या। दिन भर की लेटेस्ट जानकारी के लिए, अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए अखंड न्यूज़।